हाँ तो भाई लोग, कल का ब्लॉगिंग भरहरवा से रांची आने समय का ब्लॉगिंग मैंने एंड नहीं किया था, तो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। एंड अर्ली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू द रफ बाइकर्स फैमिली। अभी हम दोनों निकले हैं रोशन के पास, जो कि रोशन वेट कर रहा है हम दोनों का कोकर चौक के पास। तो अभी तुरंत रेडी शेडी होकर के, सवेरे सवेरे को कॉल किया तो इसलिए रेडी शेडी होकर के अभी हम दोनों निकले हैं उसके पास। वो वेट कर रहा है हम दोनों का वहाँ पे, बेसब्री से। और कल रात में पूरा थक गए थे, इसलिए नींद भी बहुत अच्छा आया रात में, पूरा रिलैक्स लग रहा है अभी। वैसे मिलने वाले थे रोशन के साथ कल रात में, लेकिन कल रात में वो मेरा एड्रेस नहीं खोज पा रहा था, सो अभी हम दोनों जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। आपने रोशन को तो आपने देखा होगा, जो RR 310 का डिलीवरी वाला वीडियो में था, MT 15, जो दुमका से है, वो भी यहीं पे रहता है रांची में। तो आगे कुछ प्लान बना नहीं है, वैसे देखते हैं रोशन से पूछ करके क्या बोलता है, कहाँ जाएगा घूमने, कुछ प्लान बनाना पड़ेगा आज का। कल भरहरवा से आते समय तो पूरा टायर्ड हो गए थे, पूरा एकदम शरीर पूरा थक गया था, शोल्डर से पूरा पेन कर रहा था, तो रात में सोए अच्छा नींद आया, सब दर्द सब छूट गया। तो हम लोग बातें कम करते हैं और मैं रोड में फोकस करता हूँ, भी जल्दी पहुँचना है। मतलब रांची में रहते हैं ना, तो रात में सोते हैं तो टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है यहाँ पे, रात में ठंडा लगने लगता है हल्का हल्का, और सवेरे धूप, तो मतलब यहाँ पे रहने में ना ऐसा लगने लगता है कि रांची में ही है। और घर में रहते हैं ना तो घर ऐसा फील होता है, यहाँ पर रहते हैं तो हम रांची तरह ही फील होता है रहने में। तो हम लोग को कोकर चौक हम लोग का बस पहुँचने ही वाला है। अच्छा अभी जाएगा ना तो आवाज़ करेगा, ये देखना, अगर नहीं करेगा तो ठीक है, अगर करेगा तो देख लेना। धीरे धीरे जाएंगे और मर्जी का ना, और मर्जी का राइट से राइट बोला वाला रास्ता ना, और सिक्की धीरे वाला रास्ता ना, तो राइट बोल जाएंगे। हाँ ठीक, ये लो पहनेगा तो। चलो हाँ, तो भाई लोग अभी हम लोग जा रहे हैं हुंडरू फॉल्स। हुंडरू फॉल्स एक्यूरेटली मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितना किलोमीटर है, क्योंकि मैं भी नहीं गया हूँ, अननोन प्लेस है मेरे लिए। तो हम दोनों निकल चुके हैं, हम और रोशन एमटी से आगे, और भैया को बाइक दे दिए RR 310, वो जाएंगे राजीव भैया को लेंगे रूम से, उसके बाद हम दोनों भी आएंगे पीछे पीछे। अननोन प्लेस है मेरे लिए हुंडरू फॉल्स, तो जाते हैं फर्स्ट टाइम, आप लोगों को दिखाते हैं एकदम बढ़िया से, एकदम एक्सेलेंट शॉट्स सबसे। एंड आप लोगों को मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ हुंडरू फॉल्स का जा करके। टाइम हो रहा है अभी 9:15, आज फ्राइडे है 10 तारीख। बगल में है मर्सिडीज GLA 350D। चल गए हैं गोला मोड़ से, अभी हम दोनों निकल गए हैं और भैया दोनों कुछ खाने के लिए लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि सवेरे से हम दोनों कुछ नहीं खाए हैं, तो उन दोनों गए नाश्ता लाने के लिए, जो भी मिलेगा उन दोनों लेकर के आएंगे और हम लोग कहीं रास्ता में रुक करके हम लोग खा लेंगे। कल का मौसम भी ठीक था और आज का मौसम भी अच्छा क्या है, मतलब धूप है लेकिन उतना भी कड़ा धूप नहीं है, हल्का फुल्का धूप है, और हाँ मतलब कहीं कहीं धूप है और कहीं कहीं छाव है,
तो अच्छा लग रहा है बाइक चलाने में भी, और हवा भी बह रही है तो जैकेट पहने हुए हैं तो उतना गर्मी नहीं लग रहा है, मतलब हवा पार हो रहा है ना तो शरीर को तो ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कल संडे है, आज नहीं नहीं आज आज क्या है, ओ आज फ्राइडे है। अच्छा, मुझे लगा कि आज सैटरडे है और कल संडे है, आज है फ्राइडे। सो सैटरडे को पता नहीं, सैटरडे को हाँ सैटरडे को कि संडे को बंद रहता है शायद शोरूम, शायद संडे को शायद। तो अगर कल सैटरडे है, अगर कल शोरूम खुला रहेगा तो कल हम लोग शोरूम तरफ जाएंगे अनलॉक करवाने के लिए, और अनलॉक वगैरह सब करवा लेंगे, ऑयल फिल्टर सब ले लेंगे, एंड हो सके तो एक नया हेलमेट भी लें कल, क्योंकि मेरा पुराना वाला हेलमेट जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा 1900 में थोड़ा सा विंड ब्लास्ट उसमें ज़्यादा पड़ रहा है, तो ब्लॉगिंग करने में मुझे दिक्कत हो रहा है, तो एक नया हेलमेट देखते हैं, नहीं तो खरीदेंगे यहीं से। मतलब गोला रूट में इतना ज़्यादा ब्लाइंड कॉर्नर सब है ना, पता नहीं चलता है गाड़ी से कौन गाड़ी आ रहा है, मतलब आगे से, तो हॉर्न इज वेरी कंपल्सरी इन ब्लाइंड कॉर्नर्स। सावधान, आगे क्या तीखा मोड़ है, अरे वाह, मतलब और खतरनाक रोड, और खतरनाक कॉर्नर्स, मतलब कि सावधान मतलब और खतरनाक रोड और खतरनाक ब्लाइंड कॉर्नर्स, ओ ओ ओ तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया, मतलब कि जो रोड आप नहीं देखे हो ना वो रोड में गलती से गाड़ी टालने का कोशिश भी मत करना, अगर रोड देखा हुआ है तो ही आप ऐसे चलाना रफ, नहीं तो जो रोड नहीं देखा हुआ है वो रोड में स्लो ही ठीक है, पहले रोड देख लो इसके बाद जिसे चलाना है आपको आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं भी वैसे नहीं करता हूँ, मेरा अगर रोड देखा हुआ नहीं रहता है तो मैं उतना रफ में नहीं चलाता हूँ, जब मैं रोड देख लेता हूँ समझ लेता हूँ कहाँ कहाँ कॉर्नर्स है, कहाँ कहाँ कैसा कंडीशन है रोड का, उसके बाद मैं रफ चलाता हूँ। चलो चलेगा तो चलो, फोटोग्राफी एकदम खतरनाक टाइप से, थोड़ा सा फोटोग्राफी हो गया हम दोनों का यहाँ पर रुक करके, रोड बहुत खाली है लेकिन इधर पूरा सुनसान, इधर का पहाड़ व्यू मस्त लगता है, पेड़ ही पेड़ हर जगह, पेड़ इधर ही पेड़ इधर ही पेड़, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ, बस पहुंचने ही वाले हैं फॉल और कुछ दूर वंडरफॉल में आपका स्वागत है। यहाँ पे क्या क्या है, अनगढ़ा गेतलसुद डैम, यहाँ से राइट है ना, यहाँ पे होंड्रू फॉल्स का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये देखो खतरनाक लग रहा है, ओह इधर का व्यू मस्त लग रहा है।
चट्टान, वाइट वाला चट्टान सर, वाइट वाइट चट्टान। तो यहाँ पे है छोटा सा ब्रिज, और छोटा सा तो नहीं बोलेंगे, बड़ा ही है, लंबा है थोड़ा सा। और इधर इधर का व्यू मस्त लग रहा है मुझे, इधर का व्यू मुझे मस्त लग रहा है, उससे ऑसम व्यू है यहाँ का। मतलब है ना पहाड़, यहाँ पे पानी झरना है वहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। और इधर है थोड़ा बहुत क्या क्या सब रेसिडेंस वगैरह, दुकान वकान सब होगा, रेस्टोरेंट वगैरह सब, मतलब घर सब है। और यहाँ पे है हम लोग का ब्लैक ब्यूटी, यानी कि RR 310। और तो यहाँ पे फोटोग्राफी कर लेते हैं, और वहाँ पे रोप है, पता नहीं वो लोग क्या बोलते हैं उसको, और रोप में बैठ करके इधर ससर के जाता है उधर उस पार। बाइक के सामने बैठे हैं अभी, जैकेट्स हेलमेट्स नाश्ता एंड बोतल, चलो खा लेते हैं हम दोनों। कितना करके पड़ा टिकट? हम लोग का 10 करके है, गाड़ी का 12-12। हम लोग का 10 करके और गाड़ी का 12-12। चलो ठीक है। तो भाई आ गया हम लोग का पार्किंग, यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं, छाया में ही रोक देना। यहाँ पे कुछ कार सब लगा हुआ है और दुकान सब भी है इधर। यहाँ पे छोटा सा पार्क टाइप से कुछ बना हुआ है इधर में राइट तरफ में, और मैं फ़ोन से मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, गोप्रो में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गोप्रो का मैंने एक्सटर्नल माइक मैंने नहीं लाया। अब हेलमेट पहन लिए हैं, कौन सा हेलमेट है? स्टड्स कैंप का हेलमेट। और ऊपर तरफ है ये वायर है, यहाँ से चढ़ना पड़ता है, और यहाँ से वायर के थ्रू उस पार जाया जाता है। 300 रुपये लगता है यहाँ पे चढ़ने के लिए इस पार में। 300 रुपया, 300 रुपीज। वहाँ से व्यू दिखेगा, वहाँ से मस्त वाला। हाँ इधर से तो, इधर से तो व्यू तो दिख रहा है। इस तरह से बहुत मज़ा लग रहा है लेकिन दिखने में। हाँ तो सजाते हैं हम लोग इधर, इधर का व्यू भी अच्छा लग रहा है और इधर का व्यू भी अच्छा लग रहा है इस तरफ का। बहुत जोर शोर से आवाज़ कर रहा है लेकिन पानी गिरने का। और यहाँ पे क्या है? ओ फोटोग्राफी, फोटो सब रखा हुआ है। इधर पब्लिक सब नहा रहा है, कोई कोई एक दो को नीचे तरफ, जो पूरा पहाड़। तो कैसा लग रहा है आपको वापस आ करके? कैसा लगा आपको? हम लोग को पूछ रहा, हम लोग तुमसे पूछने वाले थे। सुपर फास्ट, नॉन स्टॉप, हम लोग कहीं भी रुके नहीं, नॉन स्टॉप आया, मजा आया, पर पसीना से लगभग। कैसे दिख रहे हैं? होल्ड
नॉन स्टॉप एक्सप्रेस जो करना है ऊपर में जाके करना है। आर 5 चलो तो ब्रदर्स एंड सिस द रब बैकर्स फैमिली वी आर रिटर्निंग टू रांची। घूम लिए, मज़ा आया, सनरूफ फॉल देखें, नाश्ता किए, फिश पिए, पानी पिए, सब कुछ नहीं, ओनली फिश एंड वाटर। ओके, डोंट थिंक नेगेटिव। तो अभी हम लोग लौट रहे हैं रांची की ओर। यहाँ इधर हल्का हल्का पानी पड़ रहा था तो रोड ही भिंजा हुआ है अभी, इसीलिए उतना रफ नहीं जाएंगे, अभी हम लोग स्लो ही जाएंगे। तो मज़ा आया घूम करके और हुंडर फॉल्स देखने के लिए, वहाँ का प्लेस अच्छा लगा, घूम करके अच्छा लगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा घूमने का, तो मुझे घूम करके अच्छा लगा। फॉल भी, वाटरफॉल भी ज़्यादा बड़ा था और पब्लिक सब भी वहाँ पे था, ज़्यादा ही था। और फिर हम लोग को मतलब कि टिकट कटाना पड़ा हम लोग का गाड़ी के लिए, और हम लोग का टिकट कटाना पड़ा हम लोग को, और कोई चीज़ का टिकट नहीं लगा वहाँ पे, सिर्फ हम लोग का टिकट लगा और हम लोग का गाड़ी का टिकट लगा और कोई और चीज़ में टिकट नहीं लगा। और दुकान सब तो था ही वहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक सब का, तो कोल्ड ड्रिंक से हम लोग पी लिए फॉल से चढ़ने के बाद, ऊपर चढ़ने के बाद। और मैंने ब्लॉगिंग मैंने मोबाइल से लिया, गोप्रो से मैंने ब्लॉग नहीं किया वहाँ पे फॉल के पास, मैंने मोबाइल से ही मैंने ब्लॉग किया। तो शायद पिक्चर क्वालिटी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन स्टेबलाइजेशन मोबाइल का उतना मेरा खास है नहीं, तो इसीलिए फुटेज सब भी थोड़ा सा हिल रहा था। तो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, अगर मैं गोप्रो से मैं लेता तो अच्छा आता, लेकिन मैंने गोप्रो अपना यूज़ नहीं किया, मैंने फ़ोन से ट्राई किया पहली बार ब्लॉगिंग। सो आप लोग उसे मैनेज कर लेना। तो अभी हम दोनों चला रहे हैं MT, हम दोनों अभी MT में हैं, हम और रोशन, और भैया दोनों हैं क्रिटेन में। मस्त लग रहा है, लेकिन रोड से जो भाप उठ रहा है ना, पानी पड़ने के बाद धूप दिया है ना अभी, तो भाप उठ रहा है पूरा रोड से। बस हम लोग पहुंच गए गोला मोड़, मतलब कि ओरमांझी वाला, जहाँ से गोला ओरमांझी तरफ से गोला के लिए रास्ता डाइवर्ट होता है, वो मोड़, क्या बोलता है वो मोड़ को नहीं पता, ब्लॉक चौक, इसको ब्लॉक चौक बोलता है ये वाला चौक को ना, ओरमांझी ब्लॉक चौक ओरमांझी। प्लान किए थे हम लोग ओरमांझी ज़ू घुसने का भी, खास करके हम और रोशन ने देखे हैं ओरमांझी ज़ू। तो हुंडरू फॉल से लौटने के बाद हम लोग का प्लान बना था ओरमांझी ज़ू, लेकिन ओरमांझी ज़ू घुसने का टाइम नहीं बचा है, तो फिर कभी हम लोग प्लान करेंगे ओरमांझी ज़ू का, क्योंकि हम लोग दोपहर में भी नहीं खाए हैं, तो जाएंगे रूम और वहाँ पे खाना खाएंगे। तो चलिए बातें कम और रोड पे फोकस ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अगर इतना स्पीड में मैं ब्लॉगिंग करूँ तो। इसलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ और मैं बोलता भी हूँ आप लोग को कि ब्लॉगिंग के लिए 70-80 स्पीड इज़ गुड, लेकिन अगर आप 90-100 में अगर आप चला रहे हो और ब्लॉगिंग करोगे तो सेफ़ नहीं है वो। तो हम लोग रोड पर फोकस करते हैं, अभी ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, कोकर चौक घुसेंगे इसके बाद हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे, अभी नहीं। तो चलिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोटी मोड़ से, हम लोग रिम्स वाला रोड से जा रहे हैं आगे। अब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं भैया दोनों, कहाँ लीड कर रहे हैं हम दोनों को, हम दोनों भैया के दोनों के पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। चलो तो हम लोग पहुँच गए हैं रूम में, खाना वाना खाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे।
उसके बाद निकलेंगे थोड़ा देर बाद रेस्ट वेस्ट करने के बाद। सो करते हैं ब्लॉगिंग एंड आज का यहीं पे।